और इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि मृत्यु का भय खत्म नहीं होता, ये प्रश्न पूछा था। सबसे पहली चीज हम ये समझे कि मृत्यु का भय खत्म होना ये कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको सुनकर बहुत हैरानी होगी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े संत ऐसे होते हैं कि जिन्होंने इतनी तपस्या करी होती है, इतनी साधना करी होती है, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय खत्म नहीं होता। कितनी साधना, अच्छा कितना तप किया होता है, वो जन्म जन्म से तप कर रहे होते हैं और इस स्थिति पर होते हैं वो कि उन्हें अपने पिछले जन्म याद आ चुके होते हैं। वो पिछले जन्म याद आ चुके हैं, इतनी शांति है, लेकिन फिर भी मृत्यु का भय खत्म नहीं हुआ। सबसे पहले आप समझिएगा कि ऐसा दूर दूर से देखने में लग सकता है, अगर सम्यक दृष्टि नहीं है, कि जो फौजी हैं, जो आर्मी जवान हैं, इनका तो मृत्यु का भय नहीं होता। ये तो उतर जाते हैं वॉर में, युद्ध के मैदान पर उतर जाते हैं, उन्हें गोली से भी डर नहीं लग रहा, अरे इन्हें तो मृत्यु का भय नहीं है। तो वो स्थिति ऐसी नहीं होती है, उन्हें मृत्यु का भय होता है। आप जानते हैं उन फौजियों को कितनी ज़्यादा, वो जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं उससे पहले कितनी मोटिवेशंस, कितनी ज़्यादा स्पीचेस दी जाती है, कितना ज़्यादा उनके अंदर वो ऊर्जा जगाई जाती है, यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए कितना ज़्यादा कंडीशन किया जाता है उनके ब्रेन को। तो उन्हें मृत्यु का भय नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? सम्यक दृष्टि, यहाँ पे आत्मा की बात चल रही है। आप शरीर के रूप में एक्टिविटी देखेंगे तो आपको दूर से लग सकता है कि हाँ उन्हें तो मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन शरीर की एक्टिविटी की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। जो भी बात है वो सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल यानी स्पिरिट, आत्मा की दृष्टि से समझिएगा। दूसरा, किसी को लग सकता है कि आपने कभी साइको किलर्स देखे हैं, जैसे टेड बंडी होते हैं, इनके बहुत फेमस है ये साइको किलर। इनके आप कभी इंटरव्यूज देखिए, यूएसए में ये कॉमन एक्टिविटी होती है कि जो वहाँ की पुलिस होती है, एफबीआई है, और वो लोग वहाँ के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और जो साइको किलर्स हैं उनकी क्या साइकोलॉजी है, वो सोचते क्या है, ऐसा क्या हो जाता है कि वो सबका मर्डर किए जा रहे हैं, जो लड़की उन्हें दिख रही है उन्हें अपने झांसे में फंसाते हैं और रेप कर देते हैं, और दिखने में एकदम स्टेबल पर्सनालिटी के, बाहर से देखने में सब कुछ स्टेबल लगेगा आपको। तो एफबीआई से वो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो कुछ ऐसी टेक्निक से, कुछ उनसे प्यार से बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है, ये हो क्या गया है, नहीं कि सबका मर्डर किए जा रहे हैं। तो उस समय आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो एकदम शांत बैठे होते हैं, और दिखने में अगर उनका रंग रूप देखेंगे तो बहुत स्मार्ट पर्सनालिटी होती है, क्योंकि कुछ ऐसे लड़कियां तक उन पर फिदा होती हैं। आप देखिएगा कि टेड बंडी है और रमिरेस, इन दो साइको किलर्स के बारे में आप स्टडी कीजिए तो आपको दिखेगा कि फीमेल्स जो है वो ऐसे पोस्ट डालती हैं कि किसी तरह ये हमें भी मिल जाए, कभी ये साइको किलर हमें भी मिल जाए। अब वो फीमेल की साइकोलॉजी पढ़ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया, असल में जो ये बोल रहे हैं कहीं उनका मृत्यु का भय खत्म ना हो गया हो, वो अलग विषय है। लेकिन आप साइको किलर्स के बारे में देखिए कि वो दिखने में बहुत शांत है, लेकिन क्या उनका मृत्यु का भय खत्म हो चुका होता है, ये स्थितियाँ समझिए। वो कहते हैं, उन साइको किलर्स को बोला जाता है कल अब आपको हैंग किया जाएगा, उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती है, वो कहते ठीक है, जैसे मृत्यु को एक्सेप्ट करे बैठे हैं, दूर से दिखने में ऐसा लगेगा। अच्छा, ये तो आपको दो उदाहरण दिए। एक बहुत बड़े संत है रामास्वामी, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी हुई है रामास्वामी की, कि एक्सपीरियंस विद द हिमालयन मास्टर्स। अब कहने को वो इतने बड़े संत हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उन्हें भी बहुत बड़ा फियर था डेथ का, और उसमें एक सब पार्ट समझ लीजिए फियर था स्नेक्स का। उन्हें ये भी डर नहीं था कि मुझे पूरी पूरी गंगा नदी ऐसे तैर के क्रॉस करनी पड़ जाए, मुझे कहीं हिमालय पर भेज दिया जाए, कोई किसी चीज़ का, ठंड का, गर्मी का कोई फियर नहीं, किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ स्नेक्स का फियर। और उसके अंदर क्यों, स्नेक क्या कर देता है, डेथ, डेथ का फियर था।
और उनके जो मास्टर थे, उनके जो गुरु थे, उन्होंने बहुत मदद करी उनकी कि कैसे वो इस फियर से बाहर निकल पाए। अब किस प्रकार से उनकी मदद की गई कि वो जब ऋषिकेश पहुँचे थे, 1939 से कुछ साल पहले की ये बात है, कि वो जब ऋषिकेश पहुँचे तो वहाँ पर वो साधना कर रहे थे, वो ध्यान में थे और उन्होंने जैसी आंखें खोली वहाँ उनके सामने एक कोबरा था, वो वहीं बैठा हुआ था। उन्होंने देखा उस सांप को और उन्हें बहुत डर लगा, उन्होंने आंखें तुरंत बंद कर ली। उन्हें ये ज्ञान तो था, बॉडी के एक्टिविटी का ज्ञान तो था कि हाँ मुझे मूव नहीं करना है, अगर मैंने मूव करा तो ये स्नेक मुझे काट जाएगा और मेरी यहीं पर डेथ हो जाएगी। तो वो वहाँ से नहीं हिले, वो स्नेक भी वहीं बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा से आँख खोली, वो स्नेक वहीं पर मौजूद था। उन्होंने दोबारा आँखें बंद करी और अपने गुरु को याद करा। वो स्नेक तो वहाँ से गया, लेकिन रामास्वामी जो थे, उनका वो जो फियर था स्नेक का, वो वहीं पर मौजूद था। अब बॉडी से, क्रिया से, यानी कि क्रिया आप देखेंगे तो आप कहेंगे अरे रामास्वामी जी देखिए आपका तो स्नेक से भी डर नहीं लगता, आपने कितनी देर साधना करी, यहाँ पे सामने स्नेक बैठा था। लेकिन उनके अंदर क्या चल रहा था वो जानते थे, ये बात उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखी होगी। तो वो अपने गुरु के पास गए, उनके गुरु ने उन्हें समझाया और जो बात उन्हें समझाई है ये बहुत बड़ी बात है। शब्दों में सुन लेना आप, लेकिन इसका भाव वासन आपको करना होगा और प्रयास यही रहेगा कि अभी ही भाव वासन हो जाए। लेकिन आज रात्रि में आपको इस पर ध्यान लगाना होगा जो उनके गुरु ने उन्हें बताया। उनके गुरु ने उन्हें कहा ये जो सांप तुम्हारे सामने आया था ये तो कॉमन एक्टिविटी होती है कि जितना तुम शांत होते जाते हो, जितना ज़्यादा तुम सेल्फ में एब्जॉर्ब हो जाओगे, या कहीं जितना ज़्यादा तुम स्वयं में खो जाओगे, उतना ज़्यादा यही शांति हर जगह फैलती है और आसपास जो तिरंश है, जो जानवर है, वो उस शांति को महसूस करते हैं और वो तुम्हारे आसपास आ जाते हैं और वो भी मेडिटेट करने लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार ये उंगली, ये सब बॉडी पार्ट्स तुम्हारा हिस्सा हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ये जो सांप जो आसपास आए, ये पूरी जो दुनिया है, ये जो भी क्रिएशंस, ये जो जीव देख रहे हो, ये सब भी तुम्हारा ही हिस्सा है। ये सारे जीव तुम्हारा ही हिस्सा है, ये तुमसे अलग नहीं है, यानी कि हम सब कनेक्टेड होते हैं। वो जो जानवर तुम्हारे पास आकर ध्यान कर रहे हैं क्योंकि तुम ध्यान कर रहे थे, तो वो जानवर भी पास में बैठकर ध्यान करते हैं। ये आपने बहुत संतों की कहानियों में सुना होगा, आप आज भी यूट्यूब के तो माध्यम है, आप सुनिए कभी, बहुत सारे ऐसे सेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारी साध्वियाँ हैं, साधु हैं, वो कहते हैं कि हम ध्यान करते हैं और आसपास सांप आ जाते हैं हमारी रक्षा के लिए, वो सांप भी आकर वहीं पर मेडिटेट करते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भय नहीं है तो कोई जानवर भी तुम पर अटैक नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर का भय भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो तुम ही हो। इतने डीप कनेक्शंस होते हैं हम सबके। पतंजलि योग सूत्र आज आपको याद आता होगा, ये बात बहुत स्पष्ट लिखी गई थी, पूरा योग सूत्र था कि तुम जितने ज़्यादा अहिंसक हो जाते हो, बाहर जो है सब कुछ तुम्हारे लिए, पूरी प्रकृति समझ लीजिए, बाकी सभी जीव तुम्हारे लिए अहिंसक हो जाते हैं। तुमने अपना भय ख़त्म करा और बाकी जीवों का भय भी तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाता है। ये योग सूत्र था। आपने कभी रेयरली सुना होगा या कभी हमने नहीं सुना, ऐसा नहीं होता जनरली कि कोई साधु संत जो है वो तो अकेले वहाँ पर हिमालय पर्वतों पर अकेले बैठकर अपनी साधना कर रहे हैं और कभी किसी जानवर ने उन्हें खा लिया हो, किसी स्नेक ने उन्हें डस दिया हो, ऐसी कथाएं नहीं सुनते हैं हम। आप जानते हैं ना, अब इस कहानी का भाव वासन कीजिए, आप समझिए कितनी बड़ी बात बता दी उन्होंने कि आपके अंदर जो है वही बाहर भी होगा। आप अंदर से
सफाई करते जाएं। कौन सी सफाई? आत्मा की सफाई करते जाएं, उन कषायों को हटाएं उन कषायों को। सबसे बड़ा कषाय भय का ही तो है। तब तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा के प्रदेश कहाँ कहाँ तक फैल सकते हैं। पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश। किनके फैल जाते हैं? जब केवली समुद्घाट होता है, पूरे यूनिवर्स में आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। आपके फियर्स जो है वो इसलिए हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपसे कुछ छीना जा सकता है। आप अभी से शुरुआत करेंगे, प्रयास करेंगे, तब जाकर वो स्थितियां आती हैं कि अब हिंसक प्रवृत्ति आपके आसपास भी नहीं होती है। तीर्थांकर जो होते हैं उनके लिए बात बिल्कुल कही जाती है एकदम। जहाँ उनके समुच्चरण लगते हैं वहाँ कुछ किलोमीटर, वो एरिया मेंशन कितना एरिया है कि इतने किलोमीटर की दूरी तक किसी भी इंसान को कोई रोग नहीं होता, किसी भी जानवर को कोई रोग नहीं होता। वहाँ इतने एरिया तक कोई भी वॉयलेंट एक्ट नहीं हो सकता। यानी कि टेक्स्ट में, शास्त्रों में लिखी गई है, प्रचलित नहीं, शास्त्रों में लिखी गई है। ये जो आपका प्रश्न है कि मृत्यु का भय खत्म हो जाए, ये ऐसे समझिए कि मोक्ष की बात की जा रही है। अब मोक्ष जाना है तो प्रयास तो करना होगा। अच्छा, आप एक प्रश्न का जवाब दें, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना ज्यादा इजी है या फिर मोक्ष जाना ज्यादा इजी है? आप बताएं जरा। बहुत सरल सा जवाब है इसका, मोक्ष जाना कहां से इजी हो गया? अब जब ओलंपिक्स जैसे एक सिंपल से, उसके लिए भी कंपटीशन जो कि बॉडी के रूप में आप देख सकते हैं कि यहां पे बॉडीली एक्टिविटीज जो जो करना है वो सब बता रखा है एग्जैक्ट, जब उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक दिन में 8 घंटे से 10 घंटे तो मिनिमम आपको प्रयास करना ही है, तो मोक्ष जाने के लिए कितना ज्यादा आपको पुरुषार्थ करना होगा, कितना पुरुषार्थ करना होगा जरा उसकी कल्पना कीजिए। वो 24 घंटे का पुरुषार्थ होता है, 24 घंटे का। अभी आपको पुरुषार्थ की डेफिनेशंस नहीं पता, आज जो आपका स्कूलिंग सिस्टम है उसने आपको पुरुषार्थ, लेजीनेस क्या होता है उसकी कुछ अलग डेफिनेशंस बता दी। यहाँ पर आप सब लोग अटक जा रहे हैं। हम देखते हैं लोगों में क्या इशू, कहाँ आ रहा है, कहाँ अटक गए हैं। उन्हें लगता है ध्यान करने बैठे तो हमें लग रहा है कि हम तो एक जगह पर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं। इसे तो सोसाइटी बोलते हैं लेजी इंसान है। अरे आप किस सोसाइटी की बात सुन रहे हैं? वो तो महावीर स्वामी को भी आज लेजी बोल देंगे। उनके लिए तो महावीर स्वामी भी लेजी हो जाते क्योंकि वो किस चीज को देख रहे हैं? वो आपके बॉडीली कंडक्ट को, सिर्फ बॉडी क्रिया देख पा रहे हैं, स्पिरिट नहीं देख पा रहे हैं। ये लेजीनेस की डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए। लेजी किसे बोलते हैं? लेजी उसे बोलते हैं जो विचार नहीं कर रहा है, विचार करने में उसको जोर पड़ता है। प्रमादी का अर्थ है नेग्लिजेंट हो गया है वो। चलो ये तो कर लेते, कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं का मतलब क्या होता है? आप विचार तो कीजिए, आप प्रश्न पूछिए। और इतना खुल के प्रश्न पूछना है, कितना खुल के कि हनुमान जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, पूछिए जरा ये प्रश्न। ये मंत्र क्यों पढ़ना है, माला क्यों पढ़नी है, मूर्ति क्यों रखी हुई है, मूर्ति के आगे दिया क्यों जला रखा है, वो बार बार वो थाली में राउंड 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 क्यों कर रहे हो, 7 राउंड क्यों कर रहे हो, 8 राउंड क्यों नहीं कर रहे हो, जरा प्रश्न तो पूछिए। किसने रोका है? रोका था आपके माँ बाप ने, रोका था आपके स्कूलिंग सिस्टम ने, आपकी सोसाइटी ने रोका है आपको, हर बार रोका है, पर आप लोग रुक गए हैं। मैं सोसाइटी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके जो सारे फियर्स है वो भी सोसाइटी से आते हैं। अब ये सब सुनकर, सोसाइटी तो हमारी है ही बुरी, ये शब्द बिल्कुल मत बोलिएगा। ये शब्द जहां आपने बोले समझ लीजिए आपने अपने कर्म बांध दिए, क्योंकि इसलिए क्योंकि आप भी उसी सोसाइटी का पार्ट हैं। उस सोसाइटी के बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी सिक्योरिटी अभी सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। आपके फियर सोसाइटी ने डिटरमाइन करें तो आपने क्यों लिए? फिर आपने लिया ना सब कुछ, तो यहां पे सोसाइटी बुरी है इस दृष्टि से मत सुनिएगा। लेकिन आप कहां बंद गए हैं उस दृष्टि से अब मेरे वाक्य सुनने हैं, तो आप एक जगह पर हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं। ये लेजीनेस नहीं होती है, विचार नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी लेजीनेस है।
ये कितने इंपॉर्टेंट वाक्य थे आप जानते हैं, कि यहां तक तो बताया गया कि हाँ पहला स्टेप है सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि होना है, फिर सम्यक ज्ञान आता है, फिर सम्यक चरित्र आता है। नहीं नहीं अब पांचवें आर्य में सम्यक दर्शन से पहले तो मति दृष्टि होनी चाहिए, मति ज्ञान आएगा फिर जाकर सम्यक दर्शन होगा। आज मति का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये पांचवें आर्य की कंडीशंस हैं जिसने रोका आपको, और आप सबके कर्म हैं कि हमने क्यों चूज करा, फिर क्यों आए इधर पांचवें आर्य में, कर्म थे ना। अब ओलंपिक्स जैसे एक गेम में उसमें इतना समय लग रहा है तो मोक्ष तो कौन सी स्थितियां हैं वो, क्योंकि अभी आपके लिए सुख है तो दुख भी है, वहां पर ऐसा नहीं होता। उसके लिए पहली स्टेज है आपका मोह भी खत्म हो चुका है। वहां पर आपका मोह एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। आपका क्रोध एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्रोध भी नहीं है। तो मृत्यु का भय कैसे खत्म हो, उससे पहले तो आपको ये सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। पहली सीढ़ी जो है वो यही है कि क्या आपकी सारी वासनाएं खत्म हो गई हैं, फिर आप दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि सम्यक दृष्टि क्या होती है। आपको भाव वासन होगा इस बात का कि आपकी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो खुद में सिर्फ एक अवधि है। पहले पर्सनैलिटी जो क्रिएट हो रखी है वो आप देख पाएंगे। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका प्रयोजन आपको पता होगा कि आप अगर व्यायाम भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो प्रयोजन आपको पता होगा कि वो आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। आप अगर भोजन भी कर रहे हैं तो ऐसे भोजन कीजिए, हर बार ये भाव लाएं कि अब कब ये भोजन खाना छूट जाएगा। मेडिसिन कोई खाते हैं ना तो आप डॉक्टर से क्या पूछते हैं कभी कि कब छूटेगी ये मेडिसिन, कब छूट जाएंगी। अब ये नहीं कब छूट जाएंगे, यानी कि आप चाहते हैं छूट जाए मेडिसिन, भोजन भी उसी उसी भाव से खाइए, उसी भाव से कि कब छूटेगा ये भोजन भी, कब तक खाना पड़ेगा। कभी भाव तो लाए आप अपने अंदर, ये भाव लाएं। अभी तो रसों में डूब जाते हैं, आपने जहां ये भाव लाया ये भोजन कब खाना छोड़ेंगे। आपको लगता है उस दिन आप बोलेंगे चीनी कम है, नमक कम है, ये पाउडर वो पाउडर कम है, मटर नहीं है, टमाटर नहीं है, उस दिन आप ये बातें नहीं बोल पाएंगे। आप जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका प्रयोजन आपको पता होना चाहिए, सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये तो मैंने दूसरे स्टेप में आपको बोल दी, दूसरी स्टेप नहीं है, ये तो बहुत ऊपर है। यानी कि आत्मा क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, उसका भेद अब आप कर पाते हैं। आप जानते क्या महसूस हो पाता है कि एक जीव आत्मा है, मैं जीव हूँ, और उसके बाद आपको दिखता है जैसे किसी के शब्द हैं वो आपके पास आ रहे हैं, वो शब्द आपको दिखता है, ये इसकी भाषा वर्गणा है। यानी कि भाषा के पार्टिकल्स आपकी तरफ आए, ये आपको दिखा। अब आपका कोई मन उत्पन्न हुआ कि मन कर रहा है कि ये एक्टिविटी करनी चाहिए, उसको पकड़ लीजिए वहीं पर। ये क्या मन क्या होता है, ये मनोवर्गणा है, ये अलग पार्टिकल्स है, ये आप नहीं है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कहीं पर कोई चोट लग गई है तो आपको दिख पाएगा ये बॉडी अलग है, वो अजीव है, बॉडी आपकी नॉन लिविंग है। सोचिए जरा, ये एक 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 जो वाक्य हम बोल रहे हैं इसके ऊपर पूरे पूरे सेशंस हम ले चुके हैं पहले, और आगे भी इसके और विस्तार में हम समझेंगे कि आपकी ये जो बॉडी है, ये जो औदारिक शरीर है, ये अलग है, ये अजीव है, और आप तो जीव हैं। बॉडी से सेपरेशन, जब बॉडी में पेन आता है तब प्रयास करना है कि कैसे हमारा अटेंशन जो है वो स्वयं पे लग जाए, अपने स्वभाव पर लगाएं। यानी कि आप देखिए कि आपका ध्यान जहां पर भटका वहां पर बॉडी का पेन आया। बॉडी का पेन तब महसूस होता है जब उस पर ध्यान लगाया, आपने किसी और चीज पर ध्यान लगाया या अपने ऊपर अटेंशन लगाया, बॉडी का पेन गायब। ये आपको महसूस करना होगा।
ये सारे सेपरेशंस, जीव क्या है, अजीव क्या है, ये जो पूरे हमने 7 तत्व समझे थे, ये तत्व विचार हर समय आपका चलता रहता है।